मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार मैं करता हूँ। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों में आप बहुत ही निराश होकर बैठ जाते हैं और हमेशा आप सोचते हैं मेरे जीवन में तो इतनी दुख है, जीवन उब गया है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, सामर्थ नहीं है और ताकत नहीं है और शरीर में आपका बल नहीं है। जब संसार में हम रहते हैं, दुख और मुसीबत, आंसू, सभी बातें जरूर होगा, इस संसार में ऐसे ही रहता, लेकिन ये सारी दुखों में मुसीबतों को पार करने के लिए परमेश्वर हमें बल देता है, वादा करता है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय के 8वां वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, मेरे गवाह होंगे। इसका मतलब यू शैल रिसीव पावर, अंग्रेजी में लिखा तू सामर्थ्य को पाओगे। किस प्रकार का सामर्थ्य है? समस्या को सहने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए और सारे मुसीबतों से पार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें वो ताकत को देता है, शैतान से लड़ने की ताकत। इस संसार में जब तक है, सारी मुसीबतों को पार करना है, शैतान को सामना करना है, ये सब को सहने के लिए परमेश्वर हमको अपने सामर्थ्य को देता है। और ये सारी मुसीबतों को पार करने के लिए पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपने सामर्थ्य को उसके विरोध लड़ने के लिए, मैं अपने सामर्थ्य को ही मैं तुम्हारे लिए देना चाहता हूँ। और बाइबल में आप देखते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय में, वैसे ही पवित्र आत्मा उंडेला गया है। प्रभु यीशु मसीह जब सेवा किए, जब बपतिस्मा किए, उस वक्त उन्होंने पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को कबूतर के नाई उतरते हुए वहां पर हमने देखा है। वहां कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त किया। मेरे जीवन में सेवकाई के शुरुआत में भी मैं थोड़ा डगमगाया, मैंने सोचा ये सेवा करना इतने मुसीबत में बहुत ही तकलीफ है। तब मैं निर्णय किया सेवा करना जो है मेरे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, मैं तुरंत ताकत को प्राप्त किया। मैंने सोचा प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा सभी बातों को मैं पवित्र आत्मा का ताकत का द्वारा मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब आपको क्या करना है? प्रभु जी मुझको ये सामर्थ्य आज जरूरत है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी ही सामर्थ्य को आपको देगा। इसके द्वारा आप सारी मुसीबतों को, परेशानी को पार करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सभी बातों में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना करने से परमेश्वर जो है अपनी ही ताकत को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए वो आज देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा वो तैयार है। यदि ऐसे प्रार्थना करने से परमेश्वर अपने ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आपको देंगे, जी हाँ, उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद सारी बातों में आप विजय को प्राप्त करेंगे और सारे बाधाओं को तोड़ करके अब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उसके सामर्थ्य के लिए प्रभु से दुआ करेंगे। हे प्रभु, मैं सामर्थ्य के साथ रहने के लिए तूने अपने पवित्र आत्मा को मेरे विजय जीवन के लिए तू भेजा है, धन्यवाद देते हैं। आज उस सामर्थ्य को, उसके ताकत को, उसके वरदान को, उसके ऐश्वर्य प्रभु जी विधारी को प्राप्त करना है। जो कोई आज प्रार्थना करते हैं सबको अपनी आत्मा से तू भरना है प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।